दुर्ग के पुलगांव वार्ड में बोहरा मुस्लिम समाज व सुन्नी मुस्लिम समाज को आवंटित भूमि में कब्रिस्तान नहीं बनाने दिए जाने के विरोध में राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के बैनर तले ज्ञापन सौंपा। बोहरा मुस्लिम समाज व सुन्नी मुस्लिम समाज को कब्रिस्तान के लिए दुर्ग के पुलगांव वार्ड स्थित खाली भूमि पर भूमि आवंटित की गई, जिससे वार्ड के रहवासी व राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के बैनर तले सोमवार को बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नारेबाजी के साथ अपना विरोध दर्ज कराने पहुंचे, जहां वे आवंटित भूमि को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर महामहिम राज्यपाल व छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नाम दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। एक कब्रिस्तान के लिए प्रशासन की तरफ से जमीन अलॉट हुई है। हम चाहते हैं कि पुलगांव में कब्रिस्तान ना बने, क्योंकि मुख्य मार्ग पर कब्रिस्तान बनाना ये अनुचित है, क्योंकि वहाँ विशाल कपड़ा मार्केट है, पुलिस थाना है, सामने में वन विभाग का लकड़ी टाल है, उसके आगे जाएंगे तो वृद्धाश्रम है, उसके आगे जाएंगे तो बटालियन है, उसके आगे महावीर स्कूल है, उसके आगे वो कॉलेज का क्या नाम डीएम कॉलेज है, और बहुत बाल संरक्षण गृह भी है। इतने बहुत सारे आरटीआई रहने के बाद और अटल आवास होने के बाद भी वहाँ के मेन हाईवे रोड पर कब्रिस्तान के लिए जमीन अलाट करना ये सरासर अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद भी हम प्रशासन से एक मांग रखने के लिए और आए हैं। एक विशेष समुदाय के द्वारा बार बार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। आपने अभी सुना है, एक ललिता साहू के ऊपर में एक इमरान नाम के लड़के ने खौलता हुआ तेल छिड़क दिया था। क्या उसके ऊपर प्रशासन और शासन ने बड़ी कार्रवाई की? क्या उन्होंने उनको प्राथमिक दंड दिया? नहीं दिया। एक विशेष समुदाय से प्रशासन और शासन इतना भय क्यों खाती है, ये हमें समझ में नहीं आता। बजरंग दल इन मुद्दों को लेकर यहाँ आज आया है। हम चाहते हैं प्रशासन और शासन दोनों इसलिए जगे, नहीं तो बजरंग दल अपने ऊपर इन मुद्दों को समझाना और समझना दोनों जानता है। निसार जो वार्ड क्रमांक 55 पार्षद प्रतिनिधि, मेरे वार्ड में मुक्तिधाम के लिए जगह अलॉट करके मुक्तिधाम बनाना चालू कर दिया है। हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड में कब्रिस्तान ना हो। अभी तक से हमारा गांव में मुक्तिधाम हमारे लिए पास नहीं हुआ है, हम क्यों दें उसको कब्रिस्तान बनाने के लिए? और हमारा बच्चे का भविष्य वहां ख़राब होते जा रहा है। आईटीआई है, बीएम कॉलेज है और पब्लिक स्कूल है, KG 1 से लेकर KG 8 तक के स्कूल है। ये हमारे बच्चों वहाँ उसका भविष्य बर्बाद वहीं से चालू हो जाएगा। हम बनाने नहीं देंगे। और आवास का सरकार द्वारा आवास का योजना मिला है, वहाँ आवास का आदमी उसी रास्ते से जाएगा, वहीं से देख के जाएगा कि यहाँ कब्रिस्तान है, हम बनाने नहीं देंगे। आगे भाई ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।